आज बात करेंगे आयसर की। हाँ जी, वैसे तो आप लोगों के बहुत सवाल आ रहे हैं, भैया साइंटिस्ट बनेंगे, आयसर जाएंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, R&D करेंगे। हाँ जी, वैसे क्या प्रोसेस है आयसर का, वैसे कितने मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा, फ्यूचर में क्या स्कोप है, प्लेसमेंट कैसा होता है यहाँ पे, हाँ जी कॉलेजों में कैसा है, इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी फंडिंग इन्वेस्टमेंट इसका क्या सारा सीन है, 4 साल बाद नौकरी कैसे मिलेगी। वैसे अगर हमारा आयसर में एडमिशन नहीं हो रहा है, वैसे तो 99% बच्चों का नहीं होगा, तो और भी कोई कॉलेजेस है जो BSMS करा रहा हूं। हाँ जी भैया, कोई प्राइवेट हो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहां पे जाके हम BSMS कोर्स कर ले, हाँ जी भैया वहां से जाके R&D कर ले, वहां क्या क्या प्रोसेस है, कैसे शुरू से शुरू करते हैं। आज बात करते हैं आयसर के कट ऑफ की। हालांकि अगर यार देखा जाए बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया यहाँ पे, एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 34,751 बच्चे अपियर हुए थे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इसके सेंटर्स के ऊपर। जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल 16,279 बच्चे थे, EWS के अंदर भी ऑलमोस्ट काफी बच्चे थे, 2,779 बच्चे थे। उसके बाद में OBC कैटेगरी की अगर बात की जाए तो OBC कैटेगरी में भी 5,061 बच्चे थे, SC कैटेगरी में 3,689 बच्चे, ST कैटेगरी में 911 बच्चों ने अप्लाई किया। हाँ जी, अब वहां पे वैसे कितने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा भैया, हाँ कितने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, जनरली जनरल कैटेगरी में 16,000 बच्चे हैं, कितना रैंक जाएगा किस कैटेगरी में, जनरल वालों का कितना है, OBC का कितना है, कश्मीरी माइग्रेंट का कितना है, SC ST का कितना है, वो क्या सारा सीन है, पूरा कंप्लीट के अंदर देखते हैं भैया। हाँ जी, अब तो जनरली जो जनरल वाले बच्चे हैं, अगर आपकी रैंक 3500 से लेके 3600 तक आ रही है, हाँ 3500 से लेके 3600 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको आयसर मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। हाँ जी, आपको आयसर मिल सकता है। वैसे आयसर भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर बटा हुआ है, कुछ आयसर्स थर्ड टायर्ड सिटी में है, कुछ आयसर्स टॉप 1 टायर्ड सिटी में है। ये थर्ड टायर्ड सिटी 1 टायर्ड सिटी क्या होता है, जैसे आप अगर पुणे में है, आप कोलकाता में है, आप मोहाली में है, तो वहां पे क्या है, इंफ्रा है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, या इंडस्ट्री है, वहां पे इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है, जॉब है, प्लेसमेंट है, वहां पे इंडस्ट्री भी है, वहां पे R&D लैब भी है, वहां पे रिसर्च लैब भी है, वहां पे सब कुछ है। हाँ जी, वहां पे ट्रेन है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, फ्लाइट है, तो वहां पे फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे इंडस्ट्री भी है, वहां पे कंपनीज भी है, वहां पे इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है वहां पे, इसलिए उसको हम बोलते हैं टॉप टायर 1 सिटी। हाँ, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाता है। आपका अगर कोई स्टार्टअप का आइडिया है, कोई बात नहीं, टॉप टायर 1 सिटी में मिल जाएगा तुमको। वहां आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको R&D चाहिए, वहां पे IT कंपनी भी है, वहां पे सब कुछ है। तो सारे बच्चे क्या करते हैं भैया, वही जाना चाहते हैं, भैया पुणे चलते हैं, हाँ महाराष्ट्र मुंबई भी पास में थोड़ा, हाँ अब तो वहां का जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा हाई रहता है। आप अगर आयसर पुणे जाना चाहते हो, देन आपके अगर 450 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, देन आपको वहां पे मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब जैसे जो लोकल आयसर है, हाँ जी भैया छोटी सिटीज में है, जैसे कोई भोपाल के अंदर है, आप जैसे कोई बेरमपुर के अंदर है, हाँ और भी बहुत सारे जो आयसर्स है, आप टॉप टायर्ड सेकंड टायर्ड सिटी में, थर्ड टायर्ड सिटी में, तो उनका कट ऑफ क्या रहता है, उनका कट ऑफ कम रहता है। हाँ, अब बच्चों को आने जाने में थोड़ी समस्या रहती है, अब वहां पे उतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं रहती, ट्रेन मेट्रो एयरपोर्ट इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी, अब BSM मिलने में बहुत परेशानी रहती है, तो उनका कट ऑफ भी क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि बच्चे वहां पे थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ जी, आप अगर मोहाली जाओगे तो वहां पे आपको IT कंपनी भी मिलेगा, हाँ रिसर्च लैब भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगा, कंपनी भी मिलेगा, पुणे में भी ऐसा ही मिलेगा, कोलकाता में भी ऐसा ही मिलेगा, हाँ लेकिन अगर आप तिरुवनंतपुरम जाओगे, लेकिन आप बेरमपुर जाओगे, आप भोपाल जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा आपको कम मिलेगा। हाँ जी, वैसे आयसर की फैसिलिटीज बहुत अच्छी आपको मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें यार OBC वाले बच्चे, हाँ जी OBC कैटेगरी वाले बच्चे, इनका क्या कट ऑफ रहता भैया, इनको कितने तक मिल जाएगा। वैसे तो OBC में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, हाँ 5,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, 5,061 बच्चों ने, इसके अंदर आपकी कितनी रैंक रहनी चाहिए यार, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी रैंक अगर 1200-1300 के आसपास आ रही है,
देन यू कैन डेफिनेटली डिजर्व आई सेल्स। हाँ जी, अच्छे आई सेल्स के अंदर आपको इस कैटेगरी रैंक तक आसानी से मिल जाता है। हा हा हा। उसके बाद अगर बात करें EWS वाले बच्चे, EWS में टोटली 2779 बच्चों ने अप्लाई किया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 बच्चों तक हो जाता है। हाँ जी, ऑलमोस्ट 480-500 रैंक तक आपकी अगर आ रही है, आप अगर EWS कैटेगरी में है तो आपके मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। वही ST वाले बच्चों का 300 तक मिल जाता है। SC वाले बच्चे, हाँ जी, SC में टोटल बच्चे कितने थे, SC में टोटल काफी सारे बच्चे थे भैया, 3689 बच्चे थे वैसे, हाँ, लेकिन उनका जो है ऑलमोस्ट अब 700 बच्चों तक SC वाले बच्चों का हो जाएगा। हाँ, अब आपके और भी काफी सारे सवाल थे भैया। हाँ, आईसर में तो नहीं हो रहा भैया, लो रैंक आ रही है, लेकिन इंटरेस्ट रिसर्च में बहुत ज्यादा है। साइंटिस्ट बनना है, R&D करना है, रिसर्चर बनना है, तो उसके लिए देश में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हाँ जी, प्राइवेट कॉलेज काफी सारे हैं जो कि आपको सेम यही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वैसे अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे, BSMS कोर्स, R&D कोर्स, आप वहां से भी रिसर्च कर सकते हो। वैसे रिसर्च का स्कोप कितना है वो तो आप सबको पता लग गया होगा, जैसा कि आपने शार्क टैंक देखा होगा। हाँ जी, सभी को क्या चाहिए, R&D चाहिए, रिसर्च चाहिए, पेटेंट चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए। आप पिछले 100 सालों में हमारा देश जितना नहीं बदला, उससे ज्यादा पिछले 2 साल में बदल गया। आने वाले 10 साल के अंदर 90% जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा, लेकिन जो R&D में जाएगा, लेकिन जो रिसर्च में जाएगा, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, अब इसके अंदर अगर कोई जा रहा है देन उसकी जॉब कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। देन आप लोग जरूर से जा सकते हो भैया R&D के अंदर। हाँ जी भैया, रिसर्च लैब के अंदर। अब तो इसके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट है भैया, बेटर कौन से इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे पेरेंट्स के काफी सारे सवाल रहते हैं भैया। हाँ, हमको जो है ये IIT मिल रहा है, हमको ये NIT मिल रहा है, हाँ, हमको ये कॉलेज मिल रहा है, हमको वो कॉलेज मिल रहा है, हम आईसर के अंदर जाएं, IIT में जाएं, इसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है। हाँ जी, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो, आपके जो भी सवाल है, जो भी आपके सुझाव है, वो आप सारे के सारे जान सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। आपको अगर एडमिशन लेना है यार अच्छे कॉलेजों में, आपको R&D करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको भी जानना है कि यार साइंटिस्ट बेसिकली पढ़ते क्या है, कितने साल की जर्नी रहती है, वैसे रिसर्च से पढ़ने के बाद कब हमको नौकरी मिलेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ट्रेडमार्क नहीं कर पाए, हम पेटेंट नहीं कर पाए, हम रिसर्च नहीं कर पाए। वैसे आईसर में भी बहुत सारी फील्ड है, रिसर्च में भी बहुत सारी फील्ड है, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आजकल किसका सबसे ज्यादा ट्रेंड है। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे जाए हम, मशीन लर्निंग, हाँ, और कौन सी, केमिकल टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हाँ, वैसे तो बहुत सारी है, अब हम किस में जाएं, बेस्ट कौन सा है हमारे लिए, कौन सा अच्छा रहेगा, हाँ, इसके लिए भी हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है। एक हम जो है हाउ टू बिकम द बेस्ट साइंटिस्ट एक प्रोग्राम चलाते हैं, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है वो, उसके अंदर बेसिकली हम क्या सिखाते हैं भैया, हाँ जी, बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, हमेशा बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, आपके लिए अच्छा कौन सा है, हाउ यू कैन डू डिजर्व बेटर, उसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, हाँ, कब कितने साल की जर्नी है, नौकरी कब लगेगी, आप कितने साल पढ़ना पड़ेगा, अब यू कैन इनरोल नाउ दिस कोर्सेस। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, बोर्ड लाइन नंबर हमारा आपको दे रखा होगा, आप इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।